लोग यहाँ पे जीरो पॉइंट वाला है और हमारा सुमो यहाँ पे बंद हो गया। ये रोड बहुत ही खराब है, मैं आपको बता दूँ छोटा छोटा गाड़ी किससे आ रहे पता नहीं। तो हम सुबह निकला था, अभी लग रहा है कि दापुर जो हम 10 मिनट से पहले नहीं पहुँचे या तो 12 बजे, मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम भी है। बहुत ही खराब रोड है, लिटरली रोड खराब है। जस्ट हम लोग 10-10 मीटर का दूर जाके रुक रहे हैं और यहाँ पे काम बहुत ही स्लो है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कम से कम काम करो और यहाँ का जो पब्लिक है जो गाड़ी चलाते वो भी साथ दो, नहीं तो काम ये बता रहे कि कुछ करने नहीं देते। गाड़ी कंटिन्यूसली आता है, कंटिन्यूस आके एकदम बिल्कुल काम करने नहीं देता। तो बहुत दुख है, बहुत खराब लग रहा है। हम लोग इमरजेंसी ना हो तो ये रास्ता नहीं लेने से भी ठीक है, बहुत ही खराब है। आप एयरवेज से जाइए, आप हेलीकॉप्टर लीजिए, लेकिन ये बहुत ही खराब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पता नहीं हमारे ड्राइवर साहब हमें कब पहुँचाएंगे। अब वो एक जेसीबी बुला रहे, वो खींचेगा तब हम यहाँ से जा पाएंगे। तो आपको अपडेट देते रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। Absolutely devastating. Literally there is no road. बहुत ही खराब है। अगर किसी को मैं बता दूं, बहुत लोगों ने ये स्टेटरी वार्निंग दिया है, मैं भी दे देता हूं कि अगर किसी को अगर इमरजेंसी काम ना हो तो प्लीज़ काइंडली जर्नी ना करें। सुमो ड्राइवर लिटरली दे आर वेरी एक्सपर्ट, फिर भी उन्हें भी बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह तो हमारा गाड़ी फंस भी गया था, सभी पैसेंजर ने और दूसरे को पैसेंजर भी आके गाड़ी को निकालने में मदद किया। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी एक ट्रक आ रहा है जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में, उसे पीछे से जैसी भी ठेल रहे हैं, तभी वो आगे बढ़ पा रहा है। मुन्ना क्या बहुत हालत ख़राब है ना? जी हाँ, बहुत ही हालत। बापरे, तो आप किस मकसद से जा रहे हैं दापुर जो इतने तकलीफ समय में? जरूरी काम। अच्छा अच्छा ठीक है। हम लोग यहाँ पे जीरो बंद हो गया, ये रोड बहुत ही खराब है, मैं आपको बता दूँ छोटा छोटा गाड़ी किससे आ रहा है पता नहीं। तो हम सुबह निकला था, अभी लग रहा है कि दापुर जो हम लोग 10 मिनट से पहले नहीं पहुँचे या तो 12 बजे, मेरा गाड़ी में प्रॉब्लम भी है। बहुत ही खराब रोड है, लिटरली रोड खराब है। जस्ट हम लोग 10-10 मीटर का दूर जाके रुक रहे हैं और यहाँ पे काम बहुत ही स्लो है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कम से कम काम करो और यहाँ का जो पब्लिक है जो गाड़ी चलाते वो भी साथ दो, नहीं तो काम ये बता रहे कि कुछ करने नहीं देते। गाड़ी कंटिन्यूसली आता है, कंटिन्यूस आके एकदम बिल्कुल काम करने नहीं देता। तो बहुत दुख है, बहुत खराब लग रहा है। हम लोग इमरजेंसी ना हो तो ये रास्ता नहीं लेने से भी ठीक है, बहुत ही खराब है। आप एयरवेज से जाइए, आप हेलीकॉप्टर लीजिए, लेकिन ये बहुत ही खराब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पता नहीं हमारे ड्राइवर साहब हमें कब पहुँचाएंगे। अब वो एक जेसीबी बुला रहे, वो खींचेगा तब हम यहाँ से जा पाएंगे। तो आपको अपडेट देते रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सकते हैं कि लिटरली ये जोराम का तोप है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हाईवे कटिंग के नाम पे काम बहुत ही स्लो चल रहा है। मुझे इमरजेंसी दापो जाना पड़ रहा है, वरना मैं कभी इस रूट पे आना ही नहीं चाहूँगा। ये हुंडई का जो बड़ा एक्सकेवेटर या तो जेसीबी है तो वो गाड़ी लोग को लिटरली पीछे से पुश कर रहे हैं, तभी गाड़ी उठ पा रहा है। इतना ख़राब है रोड का कंडीशन। तो अगर आपका भी कुछ इमरजेंसी काम ना हो, कुछ सीरियस मैटर ना हो, तो अवॉइड टेकिंग दिस रूट।